देश को अगले दशक तक विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की नीतियों का लाभ अंतरिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए ऐसे लाभार्थियों को मौके पर जाकर उनको सामाजिक और आर्थिक योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदेश भर में संकल्प यात्रा का दौर जारी है। इस कड़ी में यात्रा मंगलवार को गोहाना नगर परिषद में पहुंची। इस दौरान तमाम विभागों के अधिकारियों ने स्टाल लगाकर लाभार्थियों को मौके पर ही उनके पत्र या उनसे संबंधित सामान भेंट किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सोनीपत लोकसभा सांसद रमेश कौशिक पहुंचे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी की रही। इस दौरान सांसद रमेश कौशिक ने 7 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर SDM आशीष वशिष्ठ, भाजपा के जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा, नगर परिषद EO निशा शर्मा समेत तमाम पार्षद और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। MP साहब, लगातार ये संकल्प यात्रा चल रही है, एक तो ये बताएं किस तरह का लग रहा है कि लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है? इसको लोगों को बहुत भारी लाभ मिला है, क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने करीब यात्रा हो गई है और तकरीबन हर 2 प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं रोज के, तो इसमें लोगों की काफ़ी समस्याएँ हल हो रही हैं और लोगों को पता भी चल रहा है, वो इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। और इसके अब 25 तारीख तक पूरा हरियाणा जो है, गांव भी शहर भी सारा पूरा हो जाए। अच्छा, कैंप लगा देते हैं, एक इवेंट्स हो जाता है, लेकिन बाद में काफ़ी लोग ऐसे मिले जो प्राइवेट ये अटल सेवा केंद्रों पे धक्के खाते देखे मैंने। अभी इसी के लिए दिए विकसित भारत यात्रा जो है, ताकि इसमें सबको, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर स्कीम, और माननीय मुख्यमंत्री जी कि हर स्कीम जो है आम आदमी तक, निचले लेवल तक पहुँचे, उसके लिए सारा किया जा रहा है। आज उद्घाटन भी किया है सर? आज लगभग 7 करोड़ रुपए के उद्घाटन किए हैं, और जो सबसे पहले बात है, आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और जो कल प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की हुई है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। एक पॉलिटिकल पर्सन है बुरा ना माने आप, बहुत मतलब जय श्री राम के नारे, और पूरा देश राम में था। हाँ। एक तरफ सियासत भी है। हाँ। राहुल गांधी को एंट्री नहीं करने दी, मंदिर में तो कोई भी जा सकता है। हाँ। इस बात का बड़ा मतलब एक चर्चा है। ऐसा ये बात हमारे यहाँ हुई नहीं, हमने इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, पता हो तो मैं इस पर जरूर, और मंदिर में जाने का सब होता है। आयुष्मान भारत की तरफ से है क्या, जो आपकी टीम है वो आयुष्मान को लेके है? पूरे स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से, जिसमें जो आयुष्मान की जो योजना है भारत सरकार, हरियाणा सरकार की, उनके लाभार्थियों को यहाँ पे गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी कोई कर्मचारी है, अधिकारी है या कोई शहरवासी है, उसको यहाँ पे OPD की सेवाएं दी जा रही हैं। BP, शुगर, HP इनकी जाँच की जा रही है, उसके साथ साथ दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही हैं। आंगनबाड़ी के बनाए हुए हैं, सारी आंगनबाड़ी ने मिलकर बना रखे हैं, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके पोषण के लिए बनाया गया, कि हर गर्भवती औरतें होती है, दूध पिलाने वाली होती हैं, छोटे छोटे बच्चे जो आंगनबाड़ी आए, उनके पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन के विकास, और भी किसी भी इनका विकास हो जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम किया है। और ये जो फ्रूट वगैरह जैसे कारक है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो कि हम महिलाओं का वो करते हैं। अच्छा, ये मॉडल भी बना रखे हैं, डिजाइन ये मॉडल है छोटे बच्चों के साथ एक्टिविटीज करवाने के लिए, बच्चों की जो एक्टिविटीज कराते हैं वो इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारे अंगूर हैं, आम है, ये दिखाते हैं हम बच्चों को, इन्हें रंगा की भी पहचान होती है, इससे बच्चों को रंगा की भी पहचान है, ये भाई ये रंग क्या है, ये हरा है, ये सफेद है, इस तरह साथ में गिनतियाँ का भी ज्ञान होता है। आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से भी है ये कैंप है खाली? जी, आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से है ये हमारा कैंप। अच्छा, मैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट से डॉक्टर संजीव, होम्योपैथी डिपार्टमेंट से डॉक्टर जी डॉक्टर। तो खाली चेकअप है या साथ साथ मेडिसिन भी है? चेकअप भी है साथ में मेडिसिन भी है। तो कितने से कितने बजे तक रहेगा मतलब? 2 o'clock तक यहाँ पे है, उसके बाद देवीलाल स्टेडियम में है। आज ही आज। गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।